Hey my dear students, welcome back to another tutorial from PM by Bashnik Academy and this is yours Pratiksha Misra as always. तो already हमें जुलोजी अनर्स पिला मान कर कोर 13, 14 सब कुछ रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दी दीटा सेट रे हमें डिस्कशन कर दे छंती बट मो पाखरे केवल डीएससी पेपर 3 रो जोटा हमरा फीस एंड फिशरीज रही छी तार केवल गोटिए वर्ष रा क्वेश्चन मो पाखरे अवेलेबल अछि आ गोटिए वर्ष रा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ही नाही सेति पे आई एम सो सॉरी किंतु से गोटिए वर्ष रा क्वेश्चन को हमें एनालाइज करके जानि परबा जे को टाइप रा क्वेश्चन पडु छी एंड पिले माने क्वेश्चन तो कहबी कि आगे मुझे रखी प्रत्येक क्वेश्चन को खातार लिखि रखत ठीक अच्छे ना एवं स्क्रीनशॉट नहीं जातु प्रत्येक क्वेश्चन एंड ईच एंड एव्री क्वेश्चन आंसर गुड़ाक तले लिखि दिंतु कहीं क्वेश्चन प्रति वर्ष किसी ना कि रिपीट होमती कि वन मार्क क्वेश्चन रहा वन मार्क क्वेश्चन को मुझे भी डिस्कसन करें एगुड़ा आम डिस्कसन करवा के जितने पीजी एंट्रांस प्रिपेयर करवा से भी आम वन मार्क क्वेश्चन करवा एवं डायरेक्ट आसवा ग्रुप बी सी डी पाक ग्रुप बी रेम दे 1.5 मार्क्स जो 1.5 मार्क्स अच्छी को पेपर 13 आ 14 मैंने देखी केते क्वेश्चन रिपीट हो प्रत वर्ष क्वेश्चन दी चारा रिपीट हो तो यही क्वेश्चन रिपीट हमारा चान्स अच्छे जमीक आम फास्ट क्वेश्चन अच्छे रेनॉल्ड्स नंबर ये गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड गोटे रिपीट क्वेश्चन भितर भी ये आसती तो रेनॉल्ड्स नंबर कौन या मिनिमम आप सत आठटा पॉइंट लिखिक प्रिपेयर करेंगे सत आठटा पॉइंट कहीं क्या यहाँ तो 1.5 रे पड़ी रेनॉल्ड्स नंबर जो क्वेश्चन आम रही को जदि आम 1.5 मार्क्स प्रिपेयर करवा तीन टा चार पॉइंट आम लिखा जदि आम सेम क्वेश्चन टा यही वर्ष दी मार्क पचार दूसरी आम तीन चार पॉइंट प्रिपेयर करवा दी मार्क लिखे मार्क मिल कि सत आठटा पॉइंट तो लिखा पड़ो ना से आम प्रिपेयर करके सत आठटा पॉइंट आइदर से 1.5 मार्क्स पचारू कि 2 मार्क्स पचारू जहाँ भी पचारू आम लिखिकी आसवा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज ओवरलैपिंग एनुली नेक्स्ट गिव गैस कंपोजिशंस ऑफ स्विम ब्लैडर मैंने स्विम ब्लैडर जो मानकर अच्छे भितर को टाइप गैस रही तार हूँ आप गैस कंपोजिशन मिनिमम सात आठटा पॉइंट आपसर लिखे सेप्टाल गिल कौन जो विभिन्न प्रकार गिल्स रही तो विभिन्न प्रकार गिल्स हूँ गोटे गोटे शॉर्ट नोट ये सेप्टाल गिल्स पचार देती देन ओटोलिथ्स कौन गिल नेट कौन गिल नेट पर पचारे विजन ऑफ एनएफपी एनएफपी कौन ना नॉन फार्म पेरोल्स NON non FARM farm PAYROLLS NFP non farm payrolls या विषय में सत आठटा पॉइंट प्रिपेयर करवा कारण यहाँ गोटे रिपीट होता क्वेश्चन भितर आंड हाइपोफाइजेशन कौन ये भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि प्रति वर्ष रिपीट हुए व्हाट आर द एंकर वर्म्स ये व्हाट आर आंकर वार्म पचार दे मे भी आपर एथर एक्जाम व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आंकर वार्म पचार दे पारे किंतु आंसर से सेम ही रही है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन रही है व्हाट इज कोस्टियासिस ये हमार सरी जाए ग्रुप बी क्वेश्चन एवं जापारे को लेवल क्वेश्चन आसार प्रिपेरेसन पूरा जोरदार करूँ कारण फिश एंड फिशरी पेपर में गोटे दुटा क्वेश्चन को छाड़े किसी डायग्राम ही ना जमीक स्केल्स ऑफ फिशेस टिके डायग्राम अच्छी माइग्रेशन इन फिशेस अल्प टिके डायग्राम अच्छी आउ एम किसी भी क्वेश्चन ना जो थे डायग्राम अच्छे मार्क फेचिंग क्वेश्चन तो आमको यहाँ थ्योरी पढ़ाक पड़ो एंड गुड़ाए जिनस आमको घोषार अच्छे या भितर तो जेहेतु ये गोटे मार्क फेचिंग पेपर नुह से आम ट्राए करवा के अधिक प्राक्ट करवा मन रखा चेषा करवा यहाँ हूँ गोटे मन रखार पेपर जमी हिस्ट्री सिविक्स जियोग्राफी आम सब घोषिक मन रखते प्राक्ट करके मन रखते ना ये पेपर हूँ से टाइप रेपर किसी कनसेप्चुआल जिनस या भितर ही ना नेक्स्ट ग्रुप सी रही देखा डिफरेनसीएट बिटवीन स्विम ब्लाडर एंड लंग्स जिते बहुत सिलेक्शन क्वेश्चन फिश एंड फिजर देती बारंबार कही आमर डिफरेनसीएट बिटवीन स्विम ब्लाडर एंड लंग्स हो कि आक्वाटिक रेस्पिरेशन एंड एरियल रेस्पिरेशन हो कि गिल्स एंड लंग्स हो ये टाइप डिफरेनसीएशन आम प्रति वर्ष एग्जाम आसूसी तो ये डिफरेन्स को आप भल भाव में प्राक्ट करदे डिफरेन्स मिनिमम चारिटा पॉइंट लिखे लेफ्ट साइड में चार्टा पॉइंट राइट साइड में चार्टा पॉइंट ओके नेक्स्ट पचार व्हाट इज लुमिनस ऑर्गन जोटा कि आम प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन ही करते लुमिनस ऑर्गन कौन लुमिनेसेंट लाइट कौन को मान पाखे लुमिनेसेंस देखा जा देन पचारे व्हाट इज लैटरल लाइन सिस्टम लैटरल लाइन सिस्टम माछ मानक बॉडी रे देखा होची तो से लैटरल लाइन सिस्टम रो काम कौन नेक्स्ट इंडस रिवर सिस्टम कौन हार्वेस्ट कंट्रोल रूल कौन हार्वेस्ट माने जो हमरा फिश हार्वेस्टिंग होची से फिश हार्वेस्टर रूल कौन नेक्स्ट ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर कौन पिले एक्वाकल्चर गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आउ जदि ए लॉन्ग क्वेश्चन आपण मानको ऑर रे माने ग्रुप डी रो लॉन्ग क्वेश्चन ऑर रे शॉर्ट नोट रे पचार देबा ताले भूल रे भी अटेंड करिवेनी काईना एक्वाकल्चर गोटे बड़ लॉन्ग क्वेश्चन ताकु से शॉर्ट नोट रे पचारी के हमकु कंफ्यूज करांदे आमे जदि ताकु अटेंड करिवा ताहले गुड़ाए क्वेश्चन आम छाड़ी हो ठीक अच्छे तो एक्वाकल्चर हूँ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन ये जब दुई मार्क कि 1.5 मार्क पचारे आम एक श्योर अटेंड करवा जमीक पॉलीकल्चर पॉलीकल्चर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन या पचारदे ग्रुप डी रे शॉर्ट नोट रे ताहले आपको आम अटेंड कले आम बेसी मार्क रही पार्वे कारण आम आउ गोटे क्वेश्चन अटेंड ही करें सब समय पलैब है नेक्स्ट हूँ व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ ब्रूड स्टॉक मैनेजमेंट बहुत इजी क्वेश्चन चिल्ड स्टोरेज कौन
जो माछ मानको आमे पूरा बरफ रे जमे के रखुचंते ना माने फ्रीजिंग करचंते डीप फ्रीजिंग करचंते ताको आमे कहउचंते चिल्ड स्टोरेज चिल्ड स्टोरेज कोन केते डिग्री टेंपरेचर रखिबा दरकार एते के कम टेंपरेचर रखिबा द्वारा कोन कोन इफेक्ट होची यार गुड इफेक्ट कोन बैड इफेक्ट कोन बस एते के पॉइंट होची चिल्ड स्टोरेज सिमते व्हाट आर द यूजेस ऑफ फिश स्किन एटा टिके होची माने ट्रिकी क्वेश्चन फिश स्किन स्किन आम क्या कहते ऊपर कवरिंग को कहते आमर सीना स्किन अच्छी कितना माछ मान स्किन अच्छी कि कौन अच्छी स्केल अच्छी स्केलटा ये जो क्वेश्चन है सीटा कौटू आ स्केल्स ऑफ फिशेस जो लॉन्ग क्वेश्चन आम पढ़ु ना से स्केल्स ऑफ फिशेस आम कौन पढ़ती व्हाट आर स्केल्स टाइप्स ऑफ स्केल्स तार डायग्राम केमी आम स्केल मानक नहीं कि कार्बन डेटिंग द्वारा तार एज बाहर करते एंड यूजेस ऑफ स्केल्स आम पढ़ते ना नहीं यूजेस ऑफ फिश स्केल्स तो ये से सेम जिनको टे बुले देखिए पचार क्वेश्चन कौन है डायरेक्ट क्वेश्चन व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्केल्स ऑफ फिशेस कि पचारे कौन ना फिश स्किन मैंने आमको बुझाक पड़ेगा फिश्र स्किन ना तार स्किन बदल में कौन अच्छी स्केल अच्छी तो आमको से पचार यूजेस ऑफ स्केल्स ऑफ फिशेस ओके जदि आमको ये यूजेस पचारे मिनिमम चार पांचटा यूजेस आम लिखीद ये यूजेस पचारे मे भी आपको यथर एक्जाम किसी गोटे स्केल ना पचार दबू व्हाट आर द प्लाकोइड स्केल्स व्हाट इज गैनोइड स्केल्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल्स आर प्रेजेंट इन फिशेस ये टाइप्र क्वेश्चन भी पलि आसो ओके तो ग्रुप डी में जा लंग क्वेश्चन लोकोमोशन ऑफ फिशेस मुझे आपको सिलेक्शन क्वेश्चन कही लोकोमोशन हाइड्रोडायनामिक्स गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट लंग क्वेश्चन देखो और पचार देती हाइड्रोडायनामिक्स स्विम ब्लैडर जोटा आम अटेंड करार नहीं लंग क्वेश्चन को आम सब अटेंड करा जदि इनकेस आमको कौन से लंग क्वेश्चन आसूनी कि मन पड़ूनी माइंड रहा ब्लांक आउट हो जाए ताहले आम से केस सर्ट नोट को अटेंड करवा अदरवाइज आम सब ट्राए करवा कमी भल भाव में लंग क्वेश्चन को जो जगह डायग्राम अच्छे विथ डायग्राम रिप्रेजेंट करके आसवा क्लीयर नेक्स्ट डिस्क्राइब रिवराइन फिशरीज इन इंडिया गिवन अकाउंट ऑफ इस्चुअरी फिशरीज दुईटा क्वेश्चन सेफ टाइप एत भी मार्क फेचिंग न तो जोटा भी अटेंड कले चलो नेक्स्ट रोज डिस्क्राइब प्रिपेरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्वेरियम और पॉलीकल्चर एंड सेमी इंटेंसिव कल्चर एबे ही जस्ट कहती पॉलीकल्चर गोटे लंग क्वेश्चन जदि आम केतबेले सर्ट नोट रे पचरा होची आमको कन्फ्यूज करबा पई पचरा होची याको आमे अटेंड करबा नाही एक्वेरियम प्रति वर्ष एग्जाम रे लंग क्वेश्चन ना आसे एंड प्लीज समस्त एक्वेरियम क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जातु जदि एग्जाम रे एक्वेरियम क्वेश्चन आसुची ताहले आग सेटा को ही अटेंड करंतु ठीक अच्छे एंड लंग क्वेश्चन केते पेज लिखे मिनिमम 4 पेज लिखे जदि डायग्राम अच्छे 5 पेज पर्यंत एक्सीड हो पार जदि डायग्राम नहीं ताहले मिनिमम 4 पेज एग्जाम रे लिखे अक्षर बांदर हम मुझे जानी कारण एग्जाम आम स्पीड स्पीड लिखते अक्षर उपर बे ध्यान देवे कि ट्राए करेंगे छाड़ छाड़ी लिखापी प्रत्येक वार्ड को छाड़ छाड़ लिखापी जब गेंजी गेंजिक लिखा ना आम कौन लिखुं पाठ किसी जना पड़े आम पाठ जना अच्छी किंतु जब ठीक से रिप्रेजेंट न करवा तमुक मार्क मिलवन से आमको अक्षर गुड़ाक टे छाड़ छाड़ी वार्ड वार्ड भितर स्पेस देखिए लाइन भितर स्पेस देखिए लिखिले जिनस गुड़ाक जना पड़ एंड सब इंपोर्टेंट हूँ हेडिंग लंग क्वेश्चन हो सर्ट नोट हो जितेबाला आम हेडिंग दौन भल भाव में अंडरलाइन करवा जमी भाव में आमको देखा जे कौटा आम हेडिंग कौटा ता तौक पॉइंट अच्छी गेंजिक लिखिदे किसी जना पड़ी आउ गोटे इंपोर्टेंट जिस होती क्वेश्चन नंबर पी आपने जाणी ना जदि क्वेश्चन नंबर भूल होना तो मार्क कटिजा सपोज किसी पिला अच्छे जो मैंने क्वेश्चन नंबर भूली जाते दुई नंबर आम कर दुई नंबर ए बी सी डी कले आम एफ नंबर टाइम करते एफ नंबर दबाक भूली जाती जदि जे खाता देखुं से टीचर जब देखिले कि आम पिलाटे मार्क देनी से जगह से मार्क दिखते मैंने जो क्वेश्चन नंबर न मार्क काटिदेवे जन जन खड़ुस जी थे टीचर तेल मार्क काटिदेवे आउ कौन हुए बेले बेले ना आम नंबर तो दिखते कि दुई नंबर कि तीन नंबर मेनसन करा भूल जाते जमी किसी पिला था दुई नंबर में आठटा क्वेश्चन देखिए करदे चार्टा क्वेश्चन गोटे लंग क्वेश्चन फेर आउ दुटा क्वेश्चन जितेबाला दुईटा क्वेश्चन करेंगे से दुई नंबर मेनसन करा भूल जाए खाली बी देदेवे कि एफ देदेवे से भूल जमा भी करेंगे एमती कले मार्क पूरा कटिजी जहाँ भी करेंगे सीरीयली वाइज करेंगे जदि लंग क्वेश्चन अटेंड करते आगे लंग क्वेश्चन अटेंड करूँ तापर एक नंबर करूँ तापर दुई नंबर तापर तीन नंबर एमती करूँ दुई नंबर ए तापर चार नंबर तापर तीन नंबर बी तापर दुई नंबर सी एमती का भूल जमा भी करूँ मार्क पूरा कटिजी है तापर नेक्स्ट आम कौटी आसवा ना डिस्क्राइब बैक्टेरियल एंड वायरल डिजीजेस ऑफ फिशेस जोटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन बैक्टेरियल डिजीज हो वायरल डिजीज हो जहाँ भी आमको डिजीज पचार मिनिमम तीन टा डिजीज आम डिस्क्राइब करवा कौन कौन लिखा ना कॉजेटिव एजेंट किए प्रथम तो लिखा को बैक्टेरिया अफेक्ट करुच्चे कॉजेटिव एजेंट केमी अफेक्ट करुच्चे कॉजेस देन कौन कौन तार सिम्टम्स रोचे अफेक्ट कलापर कौन कौन सिम्टम्स रोचे सिम्टम्स सरला तार प्रिकॉशन एंड ट्रीटमेंट प्रत्येक डिजीज्र ना लिखा कौन कौन डिजीज रोचे डिजीज्रे मेनसन करवा यार कॉजेटिव एजेंट किए कॉज किए मैंने तार कॉजेस कौन देन सिम्टम कौन सिम्टम पर प्रिभेन्शन एंड ट्रीटमेंट कौन क्लियर से बैक्टेरियल डिजीज हो कि वायरल डिजीज हो नेक्स्ट आमको देखिए प्रोसेसिंग ऑफ फिशेस एंड ट्रांसजेनिक फिश प्ले ट्रांसजेनिक फिश बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन दी मार्किया क्वेश्चन 1.5 मार्क क्वेश्चन आसवर चांस रही
आई होप आपने देखिपे कौ टाइप क्वेश्चन आस लेवल आमको प्रिपेरेसन करा पड़ा प्रत्येक क्वेश्चन आंसर को एवं ही सांगे सांगे 2 घंटा भितर आंसर लिखि दिंतु प्रिपेयर कर दिंतु पढ़ी मन रखि दिंतु बाकी जमी प्रिपेरेसन चलें पूरा जोरदार प्रिपेरेसन चलांतु एग्जाम समस्त को ऑल द वेरी बेस्ट एंड आज का वीडियो जब आपको हेल्पफुल लगे जानते कौन करेंगे प्लीज टी लाइक करदे वीडियो को आपर गोटे गोटे लाइक मो बहुत बड़ा मोटिवेशन एंड जदि पारे टे शेयर भी करदे जिते भी निजर फ्रेंड्स जूनियर सीनियर अच्छे समस्त को आम चैनल शेयर करूँ एंड सब्सक्राइब करने को जमा भी भूल थैंक यू।